नमस्कार दोस्तों, मैं उमीर कटारिया और आज का हमारा चैप्टर रहेगा जीपीएम वीएस एलपीएम। आपने ये चीजें रट लेनी है क्योंकि ये चीजें जो है ना इंटरव्यू में पूछी जाती है और जब आप कहीं गवर्नमेंट में टेस्ट देने जाते हैं वहां पे भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। कोई पूछता है कि 1 केजी में कितना पीएसआई होता है, तो कोई पूछ लेता है कि 1 गैलन में कितना एलपीएम होता है, तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं और पूछे भी जाते हैं। और आपने देखा भी होगा कि आपके जो जहां पे जो लोग जॉब कर रहे हैं वहां पे मॉनिटर्स या ब्रांचें लगी होती है, अगर कोई आपसे मान लिया उस के ब्रांच के ऊपर एलपीएम ही लिखा है लेकिन सामने वाला पूछ लेता है आपका आईक्यू देखने के लिए, आपका ऑफिसर ही पूछ ले, कोई सुपरवाइजर पूछ लेगा कि भाई वो कितने गैलन का है, तो आप तो कंफ्यूज हो जाओगे यार, उसने तो एलपीएम लिखा था। अब कुछ लोगों को पता भी होगा, बहुत सारे को पता भी होगा, मैं ये नहीं बोलता किसी को ही नहीं पता, लेकिन हम मार कहां खाते हैं कि हम ये नहीं याद रखते कि 1 जीपीएम में एलपीएम कितना होता है। बस ये अगर हमें ये पता लग जाए कि भाई 1 जीपीएम में 1.5 एलपीएम होता है तो हम क्या करेंगे, जितना भी हमारे से गैलन पूछा जाएगा उसके इसके साथ गुणा कर देंगे, वो उसका आंसर आ गया। ठीक है, ये हो गया। लेकिन हमें ये चीज ध्यान रखनी है कि 1 जीपीएम में कितना एलपीएम होता है, तो वही चीज आज हम यहां पे डिस्कस करेंगे। हम क्या करते हैं, 2 स्टैंडर्ड को फॉलो करते हैं, एक तो होता है ब्रिटिश स्टैंडर्ड और दूसरा होता है यूएसए। अब ब्रिटिश स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग 1 जीपीएम में सबसे पहले हम इसका फुल फॉर्म जान लेंगे, जीपीएम गैलन पर मिनट, यानी कोई भी ब्रांच या मॉनिटर या आपका पंप 1 मिनट में कितना पानी बाहर फेंकता है उसको जीपीएम बोलेंगे। दूसरा एलपीएम लीटर पर मिनट, यानी सेम वही कि 1 मिनट में 1 मिनट में कितना लीटर पानी बाहर फेंकता है, सेम वही है, सिर्फ डिफरेंट है इकाई का। गैलन जो होती है वो बड़ी इकाई होती है और जो एलपीएम होता है वो एक छोटी इकाई होती है, बस इतना याद रखेंगे। और साथ में याद रखना है कि गैलन में कितना है, ये सबसे पहले तो ये ध्यान में रख लेना कि जीपीएम होता है वो बड़ी इकाई होती है और जो एलपीएम होता है वो छोटी इकाई होती है। ठीक है, अब हम जानेंगे ब्रिटिश के अकॉर्डिंग जो यूज किया जाता है जीपीएम वो कितना होता है। तो 1 जीपीएम में 4.5 एलपीएम होते हैं, यानी अगर 1 जीपीएम पानी हम किसी टब में या किसी भी टैंकी में रखते हैं तो अगर हम उसको लीटर में गिनेंगे तो वो 4.5 लीटर आएगा। ठीक है, इतना समझ आ गया। अब हम बात करते हैं यूएस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग ये जो इकाई वो छोटी होती है। यूएस स्टैंडर्ड बोलता है कि 1 जीपीएम में 3.7 एलपीएम होते हैं, 1 जीपीएम इक्वल टू 3.7 एलपीएम। अब हमारे से कोई ये पूछ ले तो इतना आपको समझ आ गया, आप इजीली बता सकते किसी को भी कि किस तरह से जीपीएम को एलपीएम में बदला जाता है। मान लिया अगर कोई बोलता है कि भी 10 जीपीएम में कितना एलपीएम होता है, तो आप क्या करेंगे, सीधा सा फंडा है, 4.5 को 10 से गुणा कर देंगे आप तो इसका आंसर आ जाएगा 45, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो अगर कोई पूछता तो सीधा आप क्या करेंगे, सबसे पहली बात तो ये है, ये वाली जो इकाई आपसे पूछी गई है उस इकाई को इसके साथ गुणा कर दो, 10 चौके 40 हो गया। अब ये जो है क्योंकि पीछे 0.5 है, 0.5 बोले तो आधा हो जाता है, अब 10 का आधा कर देंगे कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यानी यहां पे जो भी कहीं आपसे पूछी जाएगी अगर 20 है तो 20 का आधा 10 हो जाएगा,
तो 20 चौके 80 और 10 90 हो जाएंगे। तो इस तरह से आपको निकालना है। और सेम इधर हो जाएगा, अगर आप 10 से करते हो डिवाइडिंग तो इसके हिसाब से हम इजीली इसको निकाल सकते हैं, चाहे वो कोई भी इकाई है। तो ये था आज का हमारा वीडियो, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आ गया होगा। आज तक के लिए इतना ही, और जाते जाते एक रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। तो आज तक के लिए इतना ही, जल्द लौटेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।